गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम राजनीति विज्ञान में बात कर रहे थे परंपरागत दृष्टिकोण की। तो राजनीति विज्ञान में जो सिद्धांतों का लगातार जो निर्माण हुआ, जो अध्ययन पद्धतियां जो शामिल की गई, जिनके आधार पर आज राजनीति विज्ञान ने जो एक परिष्कृत रूप ले रखा है, तो जिन उबड़ खाबड़ रास्तों से चलकर ये आया है, जिन तरीकों से इसमें सिद्धांतों का निर्माण किया गया है, उन्हीं में कुछ विशेष काल तक जो एक जैसी प्रवृत्तियां जो रही, उस आधार पर हमने इसको कुछ भागों में बांट रखा है, जिन्हें हम परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण और अंत में समकालीन दृष्टिकोण, जो समकालीन राजनीति विज्ञान है, उसके रूप में हम इनको विभाजित करते हैं। तो मूल इसका जो परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण है, इसका मूल अर्थ यही है कि कुछ विशेष प्रवृत्तियां, जब प्रवृत्तियां एकदम से चेंज हो गई अध्ययन की, उस समय फिर हमने इसका रूप बदल दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो एक क्रैकिंग जो बीच में ये जो एकदम से बदलाव आया, इसका मूल जो प्रभाव आपको दिखाई देता है वो है द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद में, जब शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में इन चीजों पर गहन चर्चा की गई, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जब ईस्टर्न वगैरह ये लोग जब सारे एक जगह जुटे, तब इन्होंने कहा कि नहीं, हमें अब तक जो चला आ रहा है राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन का जो तरीका है, जो सिद्धांत निर्माण का जो तरीका है, जिस तरीके से हम राजनीति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, जो हम चिंतन कर रहे हैं, जो जिनकी हम बातें करते हैं, जो मूल्य प्रधान अभी तक जो सिस्टम आ रहा है, हमें इसमें बदलाव लाना है और हमें इसे साइंस की तरीके से इस्टेब्लिश करना है। समझ गए आप इस चीज को? तो ये जो एक बदलाव आया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, उससे हम फिर मॉडर्न दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण आया तो फिर अध्ययन की पद्धतियां भी चेंज हुई, जो स्टडी मेथड्स था, जो रिसर्च के तरीके थे पॉलिटिकल साइंस में, वो चेंज हुए, नए तरीकों से बदलाव आना शुरू हुआ। और उसके बाद में आगे चल के 1970 के बाद में दोबारा से महसूस किया जाने लगा कि पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल एक केवल तथ्यों के ऊपर चलते चलते उस दिशाविहीनता की तरफ निकल गई, जहां समस्याओं का समाधान राजनीति विज्ञान नहीं दे रही है, जहां राजनीति में जो समस्याएं आ रही थी, समाज में जो समस्याएं आ रही थी, एक वैल्यू, क्योंकि इन्होंने वैल्यू फ्री स्टडी जो शुरू की उसके, तो लास्ट में इन दोनों का समन्वयात्मक रूप, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोणों को, दोनों को वापस उन्होंने माना कि नहीं, परंपरागत दृष्टिकोण की चीजें भी जो कुछ हटा दी गई थी उनको वापस उसमें ऐड किया गया, और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में जो चीजें आई, साइंटिफिक जो मेथड्स आए, अंतर अनुशासनात्मक जो दृष्टिकोण की जो बातें आई, विभिन्न जो वैज्ञानिक पद्धतियां उसमें शामिल की गई, उनको भी उसमें शामिल करते हुए उसको वापस एक तरीके से प्रासंगिक जो पॉलिटिकल साइंस है उसको वापस बनाया गया, ताकि वो समाज के उत्थान में, समाज के विकास में, राज्यों को नई दिशा देने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सके। तो राजनीति विज्ञान के इस तरीके से जो ये एक लगातार जो अपनी एक जर्नी रही है, जो यात्रा रही है, तो इसमें जो तरीके रहे हैं, मैंने बताया ना कि एक विशेष, तो उस आधार पर हमने जो प्रारंभ से लेके 1945 तक, द्वितीय विश्वयुद्ध तक का जो काल रहा, उसे हम राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में 1945 से लेकर लगभग 69 तक का जो एक नया दौर रहा साइंस बनाने में, व्यवहारवाद और ये सारे जो नई मेथड्स आए, उसको हम आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं, जिसमें मुख्य रूप से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को शामिल किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पावर है, शक्ति के जो तरीके हैं कि शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसको लिया गया, राज व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जो पॉलिटिकल सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करने वाले सारी चीजें थी उनको अध्ययन का, और मुख्य रूप से जो अध्ययन का बिंदु बनाया गया, वैज्ञानिक पद्धतियों से मनुष्य के व्यवहार को निश्चित खोजकर उनके आधार पर भविष्यवाणियां करने का, जिसे हम व्यवहारवाद में पढ़ेंगे अच्छे से। ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का एक जो स्वरूप आया, वो हमें 1945 के बाद में 1969 तक दिखाई दिया, और उसके बाद में उत्तर व्यवहारवाद में दोबारा से महसूस किया जाने लगा कि नहीं, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण दोनों का एक समन्वयात्मक स्वरूप हमें है, और इन्हीं को आधार मानते हुए तथ्य और मूल्य, मैंने बताया ना कि जो प्रारंभिक काल था उसमें मूल्य प्रधान रहे, अर्थात उसमें हर राजनीतिक विचारक ने अपनी वैल्यूज के आधार पे राज्यों को जज किया, राज्यों का उसी तरीके से उन्होंने विश्लेषण किया, उसी तरीके से सिद्धांतों का निर्माण किया, उसमें इनकी वैल्यूज मुख्य रूप से राज्य सरकार,
अंग और उसमें बाकी जो सामान्य चीजें थी उन्हीं जो राज्य के अंग वगैरह इन्हीं पे उनका सारा फोकस रहा है। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स पे आप देखेंगे, स्वतंत्रता किस हद तक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हम सबको पढ़ते हैं होब्स, लॉक, रूसो, अरस्तु, प्लेटो, इनका पूरा ये रहा कि न्याय, अधिकार, स्वतंत्रता, तो ये कुछ मुख्य विषय रहे। तो हम देखते हैं 1970 से के बाद का जो पॉलिटिकल साइंस है, आज हम समकालीन राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं, समकालीन राजनीति विज्ञान के नाम से हम इसे जानते हैं, ये एक नया स्वरूप आया। तो इस तरीके से हमारा जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, इसने एक विराट स्वरूप लिया, बहुत सी चीजों को शामिल किया, बहुत से तरीके इसने लिए। और अब जब आप देखते हैं, आप आगे फ्यूचर में कभी रिसर्च वगैरह करेंगे तो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी जब देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि कुछ ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी हम काम में लेंगे, कुछ पद्धतियां काम में लेते हैं, और कुछ हम उसमें मॉडर्न जो पद्धतियां हैं वो भी काम में लेते हैं। तो ये समकालीन राजनीति विज्ञान, इस तरीके से राजनीति विज्ञान अपने एक आज जिस स्वरूप में है उसने ये स्वरूप धारण किया है। तो ये हम एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, ये जो हम पढ़ते हैं, ये एक तरीके से राजनीति विज्ञान की हम यात्राएं पढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान के विकास में जो जो चीजें रही, किस तरीके से राजनीति विज्ञान किन किन चीजों को पार करता हुआ अब वर्तमान समय तक पहुंचा है, वर्तमान स्वरूप इसने धारण किया है, ये पढ़ने के लिए हमने सुविधा के अनुसार इनको उस काल की उन जो विशेष जो प्रवृत्तियां रही उनके आधार पर हमने ये नाम दिए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रारंभ से लेकर जो प्रारंभिक काल रहा, पारंपरिक दृष्टिकोण है, हम आज उसकी बात करते हैं कि पारंपरिक दृष्टिकोण में जो पॉलिटिकल साइंस का डेवलपमेंट हुआ, जो पॉलिटिकल साइंस की अध्ययन पद्धति जो आई, पॉलिटिकल साइंस में जिन सिद्धांतों का, राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण हुआ, उन सिद्धांतों में मुख्य रूप से हमें क्या क्या चीजें दिखाई देती है पारंपरिक दृष्टिकोण में जो हम रही। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी से पूर्व जितने भी पॉलिटिकल साइंस के जितने भी सिद्धांत थे, विचारकों को आप पढ़ेंगे तो मैक्सिमम में आप देखोगे दार्शनिक पद्धति दिखाई देती है, ऐतिहासिक पद्धति उनमें दिखाई देती है, तार्किक पद्धति उनमें दिखाई देती है। तो एक फिलोसॉफिकल जो थे, जिसे हम प्रारंभिक काल को तो अपन कहते ही हैं, उसमें एक शब्द आता था राजनीति में भी दर्शन को शामिल किया, जिसे हम कहते हैं राजनीतिक दर्शन, पाश्चात्य विचारकों का राजनीतिक दर्शन, आप पढ़ते हो जो बुक वगैरह देखते हो आप, तो पाश्चात्य विचार राजनीतिक दर्शन का मतलब उनका, उनकी जो नैतिक वैल्यूज, उन्होंने जो राजनीति को लेके कि राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य को कौन कौन से अधिकार देने चाहिए, राज्य में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, राइट्स क्या होने चाहिए, राज्य में न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो ये जो उन्होंने फिलोसॉफिकल अप्रोच को काम में लेते हुए जो राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया, तो हम उसे राजनीतिक दर्शन के नाम से जानते हैं। फिर आगे और बदलाव आते गए तो ये चीजें, उसके बाद में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आते आते हमने देखा कि पारंपरिक दृष्टिकोण में और बदलाव आया थोड़ा सा, उसमें राज्य और सरकारों को उन्होंने नहीं छोड़ा। पारंपरिक दृष्टिकोण की सबसे बड़ी चीज ये रही कि उनके अध्ययन का आप शुरू से देखेंगे पारंपरिक दृष्टिकोण में केवल राज्य और सरकार के इर्द गिर्द ही उनका अध्ययन घूमता रहा, उन्हीं के अंगों के। तो उन्होंने राज्य सरकार के जो, सरकारों के जो वैधानिक अंग थे उनके ऊपर उन्होंने चर्चाएं की, उनके कार्यों की चर्चाएं की, और उसके बाद में उनको तो ये औपचारिक संगठन प्लस अनौपचारिक संगठनों पर भी उन्होंने ध्यान देना शुरू किया कि इनको प्रभावित करने वाले जैसे राजनीतिक दल हैं वो भी उन्होंने अपने अध्ययन पद्धति में शामिल किए। जो दबाव समूह जो उस समय निर्णय प्रक्रियाओं को थोड़ा प्रभावित कर रहे थे, नीतियों को प्रभावित कर रहे थे, अंगों को प्रभावित कर रहे थे, तो विभिन्न दबाव समूहों को भी अपने अध्ययन में शामिल किया। तो इस तरीके से ये पारंपरिक दृष्टिकोण में ये चीजें आई। अब हम बात करें राजनीति विज्ञान के पारंपरिक दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं क्या थी। यदि हम पारंपरिक दृष्टिकोण को देखें, ट्रेडिशनल जो अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस की, उसको परंपरागत जो दृष्टिकोण है, तो परंपरागत दृष्टिकोण के हम विशेषताओं को यदि हम देखना शुरू करें तो सबसे पहली जो चीज आपको दिखाई देती है वो ये है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में जितने भी सिद्धांत हैं, जितनी भी बातें उसमें कही गई है, उसमें आपको दर्शन शास्त्र का प्रभाव दिखाई देता है। समझ गए आप इस चीज को? दर्शन शास्त्र से परंपरागत राजनीति विज्ञान पूरी तरीके से प्रभावित था। यहां तक कि हमने देखा था कि नीति विज्ञान के एक भाग के रूप में ही राजनीति विज्ञान को प्लेटो मानता था। ठीक है, हालांकि बाद में अरस्तु, जैसे आप देखेंगे, एक चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि परंपरागत और आधुनिक में, जैसे आधुनिक राजनीति विज्ञान को जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि आधुनिक दृष्टिकोण में परंपरागत दृष्टिकोण खत्म हो गया,
परंपरागत दृष्टिकोण के बिंदु भी लिए लेकिन उनमें और चीजें ऐड हो गई आधुनिक दृष्टिकोण के अंदर। तो हम देखते हैं कि ऐसे आधुनिक दृष्टिकोण के कुछ बिंदु आपको कहां दिखाई देते हैं, परंपरागत दृष्टिकोण में भी दिखाई देते हैं। जैसे आधुनिक दृष्टिकोण की यदि हम बात करें तो आप आगे चल के जब पढ़ेंगे तो प्लेटो, जैसे अरस्तु की अपन बात करें तो अरस्तु ने उसको इस दर्शन शास्त्र के प्रभाव से मुक्त किया राजनीति विज्ञान को, जबकि प्लेटो ने उसको मुक्त नहीं किया। प्लेटो की फिलोसफी जो सिद्धांत था वही सिद्धांत उसने राजनीति विज्ञान में भी, और राजनीति विज्ञान की एक नीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में ही वह राजनीति विज्ञान को उसने शामिल किया। और राजनीतिक सिद्धांतों में नैतिकता के बिंदु ज्यादा दिखाई दिए, आप देखेंगे नैतिकता को उसने राजनीति का मतलब नैतिकता को प्राथमिकता दी, और नैतिकता को प्राप्त करने के लिए उसने, जैसे आप पढ़ते हैं प्लेटो को, उसने दार्शनिक राजा की बात की है, फिलोसोफर किंग, और उसी के लिए वो कहता है, और आइडियल स्टेट की जो बात की है, कंप्लीट एक कल्पनात्मक उसने जो है वो एक जो आप इसीलिए उसे कल्पनावादी विचार भी कहा जाता है। तो ये जो कल्पनाएं थी ये सारी की सारी किस आधार पे थी, ये उसके दर्शन के आधार पे थी। तो राजनीति विज्ञान के परंपरागत जो दृष्टिकोण है इसमें एक मुख्य विशेषता दिखाई देती है कि इसमें दर्शन का प्रभाव काफी दिखाई देता है। और आप देखेंगे कि इनमें जो बातें भी की गई है विभिन्न विचारकों की, आप बातें देखेंगे तो राजनीति में जो राज्य के सिद्धांत है उनमें जैसे आइडियलिज्म को आप खूब देखेंगे, आदर्शवाद को खूब अपनाया गया है, इसी तरीके से ईश्वरीय विधि को प्राथमिकताएं दी गई है। आप विभिन्न विचारकों को पढ़ेंगे, हीगल, ग्रीन और ये, तो ये सारे के सारे किसको, ये ईश्वरीय विधि को काफी तवज्जो देते हैं। प्राकृतिक विधियों को आप देखेंगे कि जॉन लोक जैसे लोग हैं वो प्राकृतिक अधिकारों का कंसेप्ट स्वीकार करते हैं। दैव सिद्धांतों को भारतीय, यदि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं मनु कौटिल्य शुक्र को, तो यहां आप दैव सिद्धांतों को पढ़ते हैं। तो सीधा सार्थ ये समझ लीजिए कि परंपरागत जो दृष्टिकोण था राजनीति विज्ञान का, उस दृष्टिकोण में अर्थात प्रारंभिक जो राजनीतिक सिद्धांत बने उन सारे सिद्धांतों में आपको ईश्वरीय नैतिकताएं, प्राकृतिक विधि, आदर्शवाद, नैतिकता युक्त जो सिद्धांत हैं वो सारी चीजें आपको दिखाई देती है। राजनीति में ये सारी चीजें मिक्स थी उस समय, ठीक है। तो पहला आप देखेंगे कि परंपरागत दृष्टिकोण में दर्शन शास्त्र का पूरा प्रभाव आपको दिखाई देता है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो परंपरागत दृष्टिकोण में जो सिद्धांत निर्माण में, जो अध्ययन पद्धति में जो पद्धतियां अपनाई गई वो पद्धतियां कौन सी थी। जैसे अभी अपन मॉडर्न की बात करते हैं तो आजकल साइंटिफिक जो है वैज्ञानिक प्रविधियों का इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियां है वे कैसी थी, दार्शनिक अध्ययन पद्धतियां थी, दर्शन पर आधारित थी, जैसे अपन बात कर रहे थे, जिनमें कल्पनाएं थी कि कैसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्या है ये तो है ही अपने आप में, क्योंकि क्या है ये जब आप जानेंगे तभी आप ये आगे की कल्पना करते कि क्या होना चाहिए। जैसे आप अपना डिसीजन को लेते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि अभी आप वर्तमान में क्या है। अब आप यदि सोचेंगे कि क्या होना चाहिए, आपको लगे कि मेरे को फर्स्ट डिवीजन लानी है, मेरे को टॉप करनी है, मेरे को कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम टॉप करनी है, तो आप सबसे पहले यही देखते हैं कि अभी मैं क्या हूं और मुझे और क्या चेंज करने हैं, मेरी हैबिट्स कैसी हैं, मेरी हैबिट्स कैसी चेंज करनी है। लेकिन इनका मतलब जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसमें मूल इसी पर रहा कि क्या है, इससे ज्यादा इनका जो फोकस रहा वो किस पे रहा, क्या होना चाहिए। तो दार्शनिक पद्धति इसमें आपको दिखाई देती है, तर्कशास्त्रीय पद्धति, तर्क वितर्क के माध्यम से उन्होंने अपनी चीजें सिद्ध की। ऐसा नहीं कि अनुभव के आधार पर, जैसे कि कोई चीज प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज, प्रत्यक्ष के स्थान पर तर्क वितर्क के माध्यम से इन्होंने ज्यादा अपने जो सिद्धांतों का निर्माण है वो इन्होंने किया है। इसके अलावा इनके अध्ययन पद्धति विधिक रही है, कानूनी जो चीजें इन्होंने है, और आप देखेंगे कि ऐतिहासिक रही है, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति रही है। जैसे अरस्तु का आप देखेंगे कि उसने कितने संविधान बनाए, फिर उनकी तुलना की, और तुलना करने के बाद में उसने अपनी तरफ से माना कि कौन सा संविधान है वो सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, ये चीजें उन्होंने तुलनात्मक दृष्टिकोणों से उन्होंने ये चीजें दी। तो ये जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसमें इस तरीके से हम देखते हैं कि लिटरेचर बढ़ता गया, अध्ययन सामग्री उसमें जुड़ती गई।
ठीक है ना। तो अध्ययन सामग्री जो उसमें शामिल की गई परंपरागत राजनीति विज्ञान, जो पुराने राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, उसमें बेसिक समझ गए होंगे आप कि मेथड्स क्या थे, ऐतिहासिक पद्धति थी, फिलोसॉफी के माध्यम से ली गई, ईश्वरीय इस तरह की जो चीजें उनको जो मटेरियल मिला हुआ था, उन सारे चीजों को उन्होंने अपने उसमें फिलोसॉफी की जितनी भी चीजें थी उसके आधार पर उन्होंने चिंतन किया, विचार व्यक्त किए, अपनी वैल्यूज, अपने नियम बनाए, अपने सिद्धांत बनाए और राजनीति विज्ञान में उनको शामिल किया। इसी तरीके से नैतिकता युक्त आदर्श आइडियलिज्म की बातें, तो ये सारा आप देखें कि ये अध्ययन पद्धतियां रही है। प्रोफेसर एस पी वर्मा साहब ने इसके लिए मुख्य रूप से चार पद्धतियां, आप देखते हैं कि चार पद्धतियां इसके बारे में आप बहुत सी बुक्स में इनका उल्लेख मिलेगा आपको, जो उन्होंने जो जैसे बताई है कि उस समय मुख्य रूप से जो पद्धतियां थी वो थी ऐतिहासिक, ठीक है, उसके अलावा विश्लेषणात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति थी, आदर्शात्मक या उपदेशात्मक पद्धति जिसमें ये ऐसा करना चाहिए, राजा को ये करना चाहिए, राजा के लिए ये हो, तो ये उपदेशात्मक आप जिसको कहते हैं, आदर्शात्मक आइडियल एक बात आप कहें कि ऐसा आइडियल स्टेट होना चाहिए, तो ये आइडियलिज्म आपको उस परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन पद्धतियों में दिखाई देता है। और एक है वर्णनात्मक, इन्होंने एक तो केवल तथ्य आपके सामने आया, कोई रिजल्ट आपने लिखा, एक वर्णन आपने हर चीज को विस्तार से लिखा कि ऐसा है, ऐसा होना चाहिए और ये चीजें सही है, ये गलत है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो आप इसको याद रख सकते हैं हैंड थ्योरी के नाम से। हैंड का मतलब जो चार अप्रोच है, हिस्टोरिकल, एच एनालिस्ट, जो एनालिस्ट जिन्होंने जो है एनालिटिकल कर लीजिए आप, तो एनालिटिकल थ्योरी, हिस्टोरिकल, एनालिटिकल, नॉर्मेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक। तो ये चार पद्धतियां उन्होंने एच ए एन डी है, ये आप इसको ध्यान में रखिए कि ये इन्होंने चार पद्धतियां विशेष रूप से इन्होंने बताई है वर्मा साहब ने। और तो ये है राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की अगली विशेषता। उसके बाद में हम बात करें राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो मूल्य प्रधान अध्ययन पद्धति है। मूल्यों का मतलब है कि हर व्यक्ति के अपने कुछ वैल्यूज होती हैं, आपके कुछ सोच है, आपकी एक आपके जो विचार हैं, तो आप अपने विचारों को, अपनी वैल्यूज को, अपने मूल्यों को, जो आप चीजें सोचते हैं उन्हीं मूल्यों को आपने आसपास में देखा, उसके आधार पर आपकी जो सोच बनी उसके अनुसार आप सामने वाले को उपदेश दे रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं, तो ये जो नैतिक मूल्य आपके अंदर समाहित हुए, जो वर्णन आपने किया, जो पढ़ा आपने, इन सारे मूल्यों के आधार पर फिर आपने सिद्धांतों का निर्माण किया। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान में आप देखेंगे कि समस्त राज व्यवस्थाएं जितनी भी है उन सब का चित्रण किस आधार पर किया गया है, मूल्य प्रधान पद्धति के आधार पर। हर विचारक ने अपने मूल्यों के आधार पर उस राज व्यवस्था का वर्णन किया है, मूल्यों के आधार पर राज्य के उद्देश्य तय किए हैं, अपने मूल्यों के आधार पर वह बताता है कि राज्य का कार्यक्षेत्र क्या होना चाहिए, राज्य को किस तरीके से होना चाहिए, व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होने चाहिए, व्यक्ति क्या स्वतंत्रता। तो ये क्या रहा, मूल्य प्रधान, क्या होना चाहिए, जब होना चाहिए शब्द आ रहा है, इसका मतलब वो आपकी वैल्यूज बताती है कि मेरी वैल्यूज ये, मैं इन चीजों में बिलीव करता हूं, मेरी मान्यताएं ये है, ठीक है ना। साइंस में आप देखते हैं कि वहां वैल्यूज नहीं है, वहां तथ्य है, वहां जो सामने है x 2+2 चार है, तो साइंस के में ये चार ही रहेंगे, आपके सामने तथ्य है, इसमें आपका चाहे कितना ही लगाव किसी भी दो के साथ हो उसकी वैल्यूएशन नहीं बदलती है, तो वहां केवल तथ्यों की बात है। लेकिन राजनीति विज्ञान में यदि आप डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं तो फिर आप डेमोक्रेसी के पक्ष में 50 बातें और ज्यादा बता सकते हैं लोगों को कि आप डेमोक्रेसी अपनाइए, डेमोक्रेसी में ये फायदे हैं ये, तो ये आपकी वैल्यूज हो गई कि आपकी वैल्यू डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई है, आपकी वैल्यूज मार्क्सिज्म से जुड़ी हुई है, तो आप उससे संबंधित बातें बताएंगे। तो राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में हम जितने भी विचारकों को पढ़ते हैं, जो भी अध्ययन पद्धति शामिल की गई, जो भी उसके अंदर राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण हुआ, उन सिद्धांतों में आप देखेंगे मूल्य प्रधान सिद्धांत ज्यादा थे। अध्ययन पद्धति में मूल्य प्रधान अध्ययन पद्धति दिखाई दी, जहां हर विचारक जो थे उन्होंने अपनी वैल्यूज को प्राथमिकता दी। रूसो ने अपनी वैल्यूज को प्राथमिकताएं दी, सामान्य इच्छा की बात करता है, वो मानता है कि आइडियल जो विल है वो सबसे बड़ी चीज है, तो अब जो कल्पना उसने की उसी के आधार पर उसने राज्य को दे दिया कि भाई राज्य को आइडियल विल या जो है उसके आधार पर सभी लोगों की जो आइडियल विल है उसको जोड़ के जनरल विल जो सामान्य इच्छा उसके आधार पर संचालन करना चाहिए, समझ गए आप इस चीज को, तो ये उसने चीज बताई है। बाकी जो हम इसकी नेक्स्ट विशेषताएं हैं कुछ बची हुई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, ओके।